फैन बहुत बहुत सारे, इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें मैं पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यू डोंट वांट टू गिव आउट स्पॉयलर्स जिन लोगों के जिन्होंने देखा नहीं है, पर बहुत अच्छा लग रहा है. स्पेशली जो लोग बोल रहे हैं कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं फिल्म से, एंड वी फील इट, एंड मैसेज ऑफ द फिल्म इज़ सो राइट, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और काफ़ी लोगों को बहुत हंसी भी आ रही है, एंटरटेन भी हो रहे हैं. मेरे लिए बिल्कुल ही डिफरेंट रोल है फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड जिस तरह के का रिस्पॉन्स मिला, आई थिंक आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई गॉट टू प्ले परी एंड द टिकटॉक क्वीन. सो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुशी हो रही है. आई थिंक अब हम क्यों बात करेंगे उस बारे में, हो ही गई है. लेकिन एक्टर्स मतलब अच्छी एक्टिंग कितनी ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज़ यू नो एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है फिल्म में अगर बात करें तो. मैम एक फिल्म का सक्सेस होना सभी का टीम वर्क होता है, वो आपकी राइटिंग से शुरुआत होती है. आई थिंक नीरेन भट्ट ने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं. आमिर कौशिक इज़ अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर. दिनेश विजन इज़ अ वेरी क्रेडिबल प्रोड्यूसर. और जो एक्टर्स हैं ऑफकोर्स आयुष्मान, भूमि, सौरभ सर, सीमा मैम, अभिषेक बैनर्जी, आई थिंक एवरीबडी, गौतम, एवरीबडी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. उसी से तो पिक्चर बनती है. कॉस मुझे स्पेशली अमर ने बोला था कि देखिए आपको परी की तरह रिएक्ट करना है, एज यामी रिएक्ट नहीं करना है. तो ऑफकोर्स वाई नॉट. आई थिंक बॉल्ड गाइज, जो बॉल्ड मैन होते हैं, आई थिंक दे रियली कूल, दे लुक रियली कूल. एंड द होल आइडिया इन द फिल्म, आपने फिल्म देखी नहीं है ना अभी, देखिए. एग्जैक्टली. सो द होल आइडिया इन द फिल्म इज कि जब तक आप खुद से पहले प्यार करें, देन एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू लव यू. यू लुक अमेजिंग, यू लुक रियली, यू वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग पीपल वी हैव फ्रॉम मीडिया फ्रेटर्निटीज. मैं यहाँ थी नहीं एक्चुअली जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई, मैं धर्मशाला में थी. आई वॉज एट अ स्टेट इवेंट एंड सडनली बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए, कॉल्स मीडिया से भी और मेरे जो कंटेम्प्रेरीज हैं उनसे भी. दे ऑल मैसेज एंड सडनली फ्रॉम फिल्म फ्रेटर्निटी मैसेजेस, वॉइस नोट्स स्टार्टेड कमिंग. मैंने कहा ओके, सो दैट मीन्स द फिल्म हैज़, ऑफकोर्स मुझे पता था कि इस टाइम स्क्रीनिंग हो रही है, रिव्यूज़ हो रहे हैं. तो बहुत बहुत आई जस्ट पर्सनली फील लिटिल ऑकवर्ड शेयरिंग की यू नो सो एंड सो मैसेज एंड एवरीथिंग. ऑफकोर्स कुछ मैसेजेस बहुत ही खास होते हैं आपके लिए, एंड बट आई वैल्यू ऑल ऑफ देम. एंड मैंने सबको पर्सनली, हु एवर्स मैसेज मी फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम फिल्म मेकर्स, टू माई कंटेम्प्रेरीज, टू द न्यू लॉट ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू देम फॉर लव. जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, तो जहाँ तक कॉमेडी की बात करते हैं, बहुत कम किरदार लिखे जाते हैं खासकर एक्ट्रेसेस के लिए, और इस तरह के किरदार जो जो बहुत बिलीवेबल लगे, कोई स्लैपस्टिक नहीं, कोई कैरिकेचरिश नहीं, बहुत एक ऐसा किरदार जो आपको एंटरटेन करे और आपको आप माने कि वही बस किरदार हैं. एंड द फर्स्ट एक्ट्रेस हु केम इन माई माइंड, और हमेशा ही वो हम सबके जहन में रहेंगे, और जो वर्सिटैलिटी है उनकी, फ्रॉम चालबाज, फ्रॉम मिस्टर इंडिया टू फिल्म लाइक सदमा, इट वॉज श्रीदेवी मैम. शी इज़ अनटच्ड, उनका टैलेंट इज़ अनमैच्ड. तो सबसे पहले उनका जहन में आया. तो जब मैं शेयर नहीं करूँगी क्या, पर जब जानवी ने कॉम्प्लीमेंट किया, उन्होंने मैसेज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. दैट हैज़, for me it has a sentimental connect and I'm so thankful. And so I think aur bhi zyada kam aa rahi hai kyunki kafi zyada kaam jo post success ka bhi ek apna ek usme bhi maza hai kyunki usme bhi aur dobara se aap sab se baat karne ko milta hai to share the excitement. Aur hum log bahut khush hain kyunki film to pata tha ki ek bahut achhi film banayi hai amar ne, par is tarah se jab response milta hai which shows in box office numbers sirf 3 din mein, I think it's done really well. Jis tarah ke messages aa rahe hain, videos log share kar rahe hain theaters se, calls and everything, it is very very overwhelming.